गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हमने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस पढ़े थे, हमने कहा था कि कायरलिटी उसके लिए कंडीशन है, और कायरलिटी के लिए हम ये कह रहे थे कि जो कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं दैट डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपके प्रेजेंट हो सकते हैं तो वो आपकी अकायरल हो जाएंगे। तो व्हाट आर दीज सिमेट्री एलिमेंट्स? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री? तो सिमेट्री एलिमेंट्स आर ज्योमेट्रिकल एंटिटीज अबाउट विच अ सिमेट्रिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। कि आप सिमेट्री ऑपरेशन कोई भी करें, उसके अराउंड आप इन्वर्जन करें, रोटेशन करें, रिफ्लेक्शन देखें उसकी, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, तो इस टाइप के कोई अगर आप ऑपरेशंस करते हैं तो आपके जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज आपकी हैं दैट आर सिमेट्रिक एलिमेंट्स। तो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो हर कायरल ऑब्जेक्ट अगर आपका है तो दैट डजंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो व्हाट आर दीज फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिंपल एक्सिस यानी कि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड अल्टरनेटिंग और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वन बाय वन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी प्लेन होता है ये विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल, और यू कैन से कट्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, और वो इक्वल हाफ्स क्या होंगे कि सच दैट वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज, या यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ। ठीक है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो दैट मॉलिक्यूल विल बी अ कायरल। अब जैसे ये बटरफ्लाई देखिए, इस बटरफ्लाई को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ये जो राइट वाला पोर्शन है और लेफ्ट वाला पोर्शन है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो दिस इज सिमेट्रिक इन नेचर। तो ये इस टाइप का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अकायरल होगा। लेकिन अगर बनाना देखिए, अब आप इसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो दैट इज असिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड की अगर मैं मीजो फॉर्म ले रही हूँ, ओनली मीजो फॉर्म, तो इस मीजो फॉर्म के अंदर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये एग्जैक्टली हाफ, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, और वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज मिरर इमेज ऑफ द अनदर हाफ। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से नाउ दिस विल बी अ कायरल इन नेचर। ठीक है, तो तीनों फॉर्म्स मैं आपको दिखाती हूँ टार्ट्रिक एसिड की। आपकी तीन फॉर्म्स में टार्ट्रिक एसिड आपका एग्जिस्ट करेगा। एक आपकी डी फॉर्म होगी, एक आपकी एल फॉर्म होगी, और एक आपकी मीजो फॉर्म होगी। मीजो फॉर्म जो आपकी है दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज मीजो फॉर्म। तो इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जिसकी वजह से इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, बट अगर ये दो फॉर्म्स लेते हैं, इनका मिरर इमेज आप देखते हैं तो आप देखिए ये एच ओ एच एच है, यहाँ पर ओ एच एच है, यहाँ ओ एच एच है, यहाँ एच ओ एच है। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपकी दो फॉर्म्स हो जाएंगी, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो डी एंड एल फॉर्म्स आर योर ऑप्टिकली एक्टिव, एंड मीजो फॉर्म जो आपकी बनेगी टार्ट्रिक एसिड की दैट इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? इस जो जितना ये रोटेट करेगा उस
उतनी ही रोटेशन नेगेटिव में इसकी होगी, यानी कि द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अनदर हाफ, एंड दिस इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, और ये इंटरनल कंपनसेशन क्यों है मॉलिक्यूल में, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, देन आप कंसीडर कीजिए CH2BrCl आपका है और एक है CHBrClF। यहाँ चारों मॉलिक्यूल आपके कार्बन के अराउंड डिफरेंट है चारों एटम, और यहाँ आपके दो हाइड्रोजन एटम हो गए जो कि सेम हो गए। आपको पता ही चल गया सेम होने से कि इसके अंदर अकायरलिटी होगी और ये आपका कायरल होगा। तो देखिए कैसे, तो ये आपका है CH2BrCl, ठीक है, और ये आपका है CHBrClF। तो CH2BrCl जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें आपने अलाइन कर दिया कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये आपके हैं और ये आपकी दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल को आप एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज अ कायरल। ठीक है, लेकिन CHBrClF अगर आप देखें तो ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड भी करें तो ये इक्वल हाफ नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज कायरल। तो अगर चारों सेंटर आपके डिफरेंट हैं तो वो आपका कायरल होगा। तो CH2BrCl में प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट थे इसीलिए ये आपका अकायरल हो गया, यहाँ प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है इसीलिए ये आपका अकायरल हो गया, राइट। देन व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमिट्री, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री को आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। एंड क्या होता है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस द सेंटर ऑफ सिमिट्री व्हेन इट कंटेन्स एन इमेजिनरी पॉइंट। कि आप कुछ कंसीडर करें कि इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कोई इमेजिनरी पॉइंट है, जैसे ये हो गया, इस इमेजिनरी पॉइंट से अगर आप लाइंस ड्रॉ करते हैं ऑन वन साइड एंड दे प्रोड्यूस एन इक्वल डिस्टेंस ऑन अनदर साइड, दे विल मीट आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि अ पॉइंट विद इन अ मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम इज ज्वाइन टू इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, इट इज एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीट्स एन इक्विवेलेंट एटम। समझ आया, देखिए जैसे कि अब ये आपका है 2,4-dimethylcyclobutane और ये आपका हो गया 1,3-dioic acid। तो इसमें ये एक सेंटर आप कंसीडर कीजिए, इस सेंटर से आप इस तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ लाइन ड्रॉ कर लें, तो देखिए आपको क्या ग्रुप मिला, मिथाइल, सेम ग्रुप मिला। अब इस तरफ चलिए, यहाँ आपने लाइन ड्रॉ की और यहाँ आपने लाइन ड्रॉ की, तो आपको क्या ग्रुप मिला, COOH। ठीक है, इसी तरह अब आप यहाँ चलिए, यहाँ आपने लाइन ड्रॉ करी और वही लाइन आपने दूसरी तरफ एक्सट्रापोलेट की, तो आपको सेम एटम मिला, हाइड्रोजन। इसी तरह आपने यहाँ एक्स्ट्रापोलेट की, H मिला, और दूसरी तरफ की तो H मिला। तो हर तरफ आप इक्वल डिस्टेंस पर आपको सेम एटम मिल रहा है, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, अब आपका है डाईमिथाइल कीटोपाइप्राजीन, डाईमिथाइल कीटोपाइप्राजीन की दो फॉर्म्स हैं, एक सिस है, एक ट्रांस है। ठीक है, अब जो सिस वाली फॉर्म है दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये फॉर्म आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ ड्रॉ करके देखिए, यहाँ आपको मिला मिथाइल और एक्स्ट्रापोलेट किया तो यहाँ आपको मिला हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पर, यहाँ आपको मिला हाइड्रोजन और यहाँ आपने एक्स्ट्रापोलेट किया तो आपको मिला मिथाइल, तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है, तो दैट विल बी कायरल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में अब आप देखिए किसी भी डायरेक्शन में आप एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, यहाँ किया आपको मिथाइल मिला, यहाँ किया अगेन आपको मिथाइल मिला, ठीक है, यहाँ किया आपको हाइड्रोजन मिला, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन मिला, यहाँ किया NH मिला, यहाँ नीचे किया NH ही मिला,
इस तरफ किया आपको सी ओ मिला, इस तरफ एक्सट्रापोलेट किया इक्वल डिस्टेंस तो आपको सी ओ मिला। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांस के अंदर है सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होने की वजह से दिस इज अ कायरल और यू कैन से दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसी तरह ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया था, 2,4-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3-डायोइक एसिड। तो यहाँ आपको इक्वल ग्रुप्स मिल रहे हैं दोनों तरफ, तो इक्वल ग्रुप्स मिलने की वजह से सेंटर ऑफ सिमिट्री हो गई इसके अंदर, सेंटर ऑफ सिमिट्री हो गई तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री में आपने जस्ट यही करके देखना है, एक इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर लेना है और उसके बाद लाइंस ड्रॉ करनी है आपने इक्वल डिस्टेंस पर एक तरफ और दूसरी तरफ। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली आपको आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स मिले तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है, देन है आपकी सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री। सिंपल एक्सिस की बात कर रही हूँ जिसको हम सी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल एक्सिस ऑफ सिमिट्री में आपका क्या है कि एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल इन सच अ वे कि व्हेन मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय एन योर सेम अरेंजमेंट इज ऑब्टेंड। ठीक है, तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ठीक है, वेयर जैसे अगर 2-fold एक्सिस ऑफ सिमिट्री है तो 360 बाय 2 यानी कि 180 डिग्री, यानी कि उस कंपाउंड की 180 डिग्री अगर आप रोटेशन करेंगे तो यू विल गेट द कंपाउंड विद सेम अपीयरेंस। तो जैसे कंसीडर सिस 1,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, सिस लेना है तो सिस मॉलिक्यूल आपने लिया है और अगर आप इसकी रोटेशन करें बाय 180 डिग्री यानी कि 360 बाय 2 यू कैन से, ठीक है, तो यू विल गेट द सेम मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली सेम अपियरेंस का मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें मिथाइल यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, तो यानी सेम अपियरेंस का। तो 180 डिग्री की रोटेशन से मिला यानी कि 360 बाय 2 की रोटेशन से, तो 2-fold सिमिट्री हो गई इसके अंदर। अगर 4 से आप इसको डिवाइड करते यानी कि 90 डिग्री से आपको मिलता तो उसकी 4-fold डिग्री ऑफ रोटेशन हो जाती। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल लेती हूँ, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सिस 1,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन के अंदर 2-fold एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है क्योंकि 180 डिग्री की रोटेशन से यू विल गेट कंपाउंड विद एग्जैक्टली द सेम अपियरेंस। जैसे अब आप वाटर और अमोनिया लीजिए, तो ये आपका वाटर है, वाटर में जब आप 180 डिग्री की रोटेशन कर रहे हैं तो आपको जो मॉलिक्यूल मिल रहा है बिल्कुल सेम अपीयरेंस का मिल रहा है, तो यानी कि इसके अंदर वाटर के अंदर क्या हो गया आपका, वाटर के अंदर C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी प्रेजेंट हो गई। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर C3 हो गई, ये आपके अमोनिया के 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसमें आप 360 बाय 3 यानी कि 120 डिग्री की रोटेशन कर रहे हैं तो यू विल गेट मॉलिक्यूल विद एग्जैक्टली द सेम अपीयरेंस। तो यानी कि जो अमोनिया है उसके अंदर C3 आपकी एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है और वाटर के अंदर आपकी C2 एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है क्योंकि वाटर में 180 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सेम कंपाउंड मिल रहा है और अमोनिया में 120 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सेम कंपाउंड मिल रहा है सेम अपीयरेंस वाला। देन लास्ट व्हाट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमिट्री, इसको आप इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी बोलते हैं। इसमें आपने क्या करना है, रोटेशन तो करनी ही है जैसे कि हम एक्सिस ऑफ सिमिट्री में करते हैं बाय 360 डिग्री बाय एन, उसके बाद आपने एक और ऑपरेशन ऑपरेट करना है दैट इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी 360 बाय एन की रोटेशन एंड देन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड इफ यू गेट द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द ओरिजिनल वन तो उस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप कंसिडर कीजिए 1,2,3,4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन,
तो 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में अभी आगे हम देख रहे हैं, इट हैज़ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोर फोल्ड का मतलब है यानी 360 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आपको 90 डिग्री की रोटेशन करनी है एंड उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर इमेज में आपने उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, दिस इज योअर सिस, दिस इज योअर 1, 2, 3, 4, छोटा कर लो, दिस इज योअर 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये आपका 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसकी आपने 90 डिग्री रोटेशन कर दी। तो 90 डिग्री रोटेशन से क्या होगा एग्जैक्टली, आपका क्या होगा, ये HCH3 था, यहाँ आपका CH3H हो जाएगा, यहाँ CH3 ऊपर था, यहाँ CH3 नीचे आ गया, यहाँ CH3 नीचे था, यहाँ CH3 ऊपर आ गया, यहाँ CH3 ऊपर था, यहाँ CH3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री की रोटेशन के बाद आपका आपको ये बी स्ट्रक्चर मिला। अब मिरर प्लेन रिफ्लेक्शन देखिए, अब जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप आपका वही नीचे आपको दिखेगा, ये नीचे वाला आपको ऊपर दिखेगा, यानी कि आपको एग्जैक्टली जो इस कंपाउंड की अपियरेंस है, इस कंपाउंड की अपियरेंस बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर आपकी S4 यानी कि फोर फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट हो गई। फोर फोल्ड कैसे, क्योंकि आपने इस कंपाउंड को रोटेट किया है बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की रोटेशन एंड फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम स्ट्रक्चर। तो यानी कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है आपका, उसकी तरह का आपको स्ट्रक्चर आपको मिल गया है सेम। तो दिस कंपाउंड हैज फोर फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये आपके थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एंड दीज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो हैं दैट शुड बी एबसेंस एबसेंट फॉर अ कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू बी कायरल। जैसे कि अब आपका मीजोटार्ट्रिक एसिड था, मीजोटार्ट्रिक एसिड में आपके दो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट थे, दो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हुए भी वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपका एक एलिमेंट ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जस्ट कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन एटम के अलावा अलावा मॉलिक्यूल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए एंड दैट शुड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।